हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के साथ में। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, नहा धो लिए हैं, रेडी हो गए हैं। आज टाइम आ गया है इस होटल को बाय बाय कहने का। 3 नाइट हो गए यहाँ पे स्टे करते हुए और आज चलेंगे। कपड़े का ब्रांड है अजमेरा फैशन, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ भी देख लेते हैं। और आज दिन आया है वहाँ पे जाने का, तो हम 2-3 दिन घूम लिए हैं, सब्सक्राइबर से भी अपने मिल लिए हैं, तो आज वहाँ भी होके चलेंगे और शाम की उड़ान से वापस दिल्ली। तो अभी देखिए बैग पैकिंग सब हो गया है और रेडी हैं एकदम। नाश्ता पानी कर लिया हमने, जो पैक करके दिया था कल ही हमारे सब्सक्राइबर ने, वही किया हमने। आज यहाँ का कुछ नहीं लिया, चाय बाहर पियेंगे अभी। कप चाय बस। हाँ, अपलोडिंग का काम निपट गया है अभी, और आपके पास टाइम से पहुंच जाएंगे व्लॉग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोशिश यही रहती है हमारी। तो जी अभी थोड़ा सा काम बचा है, फिर चलेंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे। आज सामान चेक कर लिया है, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। बैग दोनों ले लिए हैं, यहाँ से चेकआउट करके चलेंगे पूरी तरह, और फिर वहाँ पे जाएंगे अजमेरा फैशन, वहीं पे देखेंगे शाम तक क्या होगा क्या नहीं। और ये ऐनक लगा के करना पड़ता है ये, बाकी तो ऐनक के बिना ही काम चल जाता है। ऐनक तो मेरी भी है, लेकिन मुझे कभी लगानी पड़ती है जब कुछ पढ़ना पड़ता है बुक्स वगैरह में। मोबाइल पे तो काम चल जाता है और लैपटॉप पे। तो जी देख लिया चारों तरफ, कुछ नहीं छूटा है, और बस थोड़ी देर में यहाँ से चलने की तैयारी है। 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, ऑटो ऑटो लेंगे, 1 घंटा भर तो लग ही जाएगा यहाँ से। तो ला मैं करूँ क्या? नहीं हो रहा, कनेक्ट कर रही थी यहाँ का नेट जो है ज़्यादा स्लो चल रहा है। वाईफाई भाग गया है यहाँ का, होटल का जो है बढ़िया चल रहा था 2-3 दिन से, लेकिन अभी डिस्टर्बेंस आया इसमें 3 दिन के बाद, कल से, कल भी आया था। कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में, कनेक्टिविटी कभी कभी भाग ही जाती है, हो जाएगा काम। कुल मिला के ये है। उस दिन आए थे यहाँ पर तो बैग इतना पतला सा लग रहा था, और आज कपड़े पहन पहन के इनकी सबकी तह से भर दी ना। वैसे तो मैंने तय बनाई है, लेकिन फिर भी इतना प्रेस, मोटा हो गया। मैं बताऊंगा, प्रेस वाले कपड़ों की तय है और पहन के बाद में कपड़ों की तय है, तो फर्क तो रहेगा ही, वे मोटे हो जाएंगे वे पतले थे, तो कोई बात नहीं, वजन तो उतना ही है। और ये था जी हमारा रूम। 3 दिन के बाद, मतलब 3 नाइट स्टे के बाद बाय बाय, अब चलते हैं। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ का होटल का। ठीक बढ़िया है, है, होटल हाँ। का तो बढ़िया ही रहता है। और ठीक मिनी है, फ्रिज ने हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो भी बचा ठंडा दिया, बनाए रखा उसने। ठंडा बना दिया। बाय बाय रूम, फिर मिलेंगे। चाबी लॉक लगा के ही चेकआउट कर रहे हैं क्या? बोल के चाबी इसमें छोड़ देंगे, अच्छा चाबी नीचे दे देंगे ना। मैं सुन, बहुत तेज धूप है हाँ देखो। अभी आ गए हैं होटल से बाहर, रोड पे हैं, यहाँ ऑटो देखेंगे, आधा पौना घंटा यहाँ से भी लगने वाला है। रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट अभी होगा यहाँ से 8-10 किलोमीटर, 20-25 मिनट लगने वाले हैं। अभी ऑटो ले लिया हमने, और अपना ये जो है शिंका वहाँ से बिल्कुल सेट कर लिया है।
लिफ्ट नंबर 15 और थर्ड फ्लोर पहुंच गए हैं अजमेरा फैशन के, और अब चलते हैं यहाँ से रिसेप्शन पे, पूछेंगे कैसे क्या प्रोसेस है। तो देखें फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लिफ्ट नंबर 15 से अजमेरा फैशन पे। आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम पता करेंगे रिसेप्शन के लिए और वहाँ से पूरी डिटेल की जानकारी लेंगे कि आगे पहले सबसे पहले कहाँ जाना है और कौन बताएगा पूरे बिजनेस के बारे में और पूरी वैरायटी कौन दिखाने वाला है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं अजमेरा फैशन के रिसेप्शन से। तो सबसे पहले पता करते हैं, सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन पे। हाँ, यहाँ पे पहली बार आए हैं हम और हमें पता करना है, पूरी जानकारी लेनी है पूरी वैरायटीज़ की, आपके मैन्युफैक्चरर की पूरे। तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा सर? सबसे पहले रिसेप्शन जाना पड़ेगा। रिसेप्शन, अच्छा, जो सामने दिख रहे हैं। थैंक यू। ये है रिसेप्शन पूरा आज मेरा फैशन है, दिवाली की हो गए हैं यहाँ तैयारी। तो जी, रिसेप्शन पर हम लोग पहुँच गए हैं, ये देखो। चलो अंदर पता करते हैं, अंदर चलते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। पहले विजिट है मैम हमारी और हमें पता करना है पूरा कॉन्सेप्ट आपका। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें हैं और कौन बताएगा? हम आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं जो आपको सब कुछ बताते हैं और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे स्टार्टअप करना चाहिए और कैसे सब कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो हम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव देंगे वैष्णवी। ओके मैम, वेट कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यहाँ पे सारे अवार्ड्स हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम अभी। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो जैसा कि हमें पता चला है रिसेप्शन काउंटर से, वैष्णवी मैम हमें बताएंगी पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और स्टार्टिंग से बताइए कि हमें कहाँ से शुरू करें और कैसे आप बताने वाले हैं? जी जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग से अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन आप देखेंगे यहाँ लिखा है अपना कपड़ा अपना धागा। कपड़े की शुरुआत होती है धागे से, थ्रेड से। सो यहाँ पर ये हमने थीम रखी है थ्रेड की, ये देखिए। यही इसी से ना कपड़े की पूरी शुरुआत होती है, पूरी जो कपड़ा इंडस्ट्री है ना इस नींव पे चल रही है। और मोर देन 40 मिलियन पीपल आज के डेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कपड़ा बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला कोई बिजनेस अगर आप कहें, क्योंकि कपड़े की डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है? बच्चों के हो, बड़े के हो, इंसान बाहर जाता है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े पहनते हैं। शादी ब्याह में हो तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो कपड़ा बिजनेस सबसे बेस्ट है आपके लिए अगर आपको कपड़े का बिजनेस करना है। तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ अजमेरा फैशन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। तो चलिए। और मैम, कई सारी चीज़ें तो एक्सपायर हो जाती हैं लेकिन ये कपड़ा नहीं होता है। बिल्कुल, ये चीज़ आपने सही कही। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों जिंदगी जीने के लिए मेन चीज़ है। उसमें से कपड़ा एक ऐसी चीज़ है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो चलिए कपड़ा देखते हैं। चलिए दिखाइए भी, बताइए भी और समझाइए भी बिजनेस के बारे में। बिल्कुल।
अभी यहाँ पे हैं हम अजमेरा फैशन में और यहाँ पे हैं हम लेडीज सूट सेक्शन में। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या वैरायटी और कितनी वैरायटी और मतलब कितनी रेंज है, सब चीज़ें पता करने के लिए हमारे साथ में हैं यहाँ अजमेरा के स्टाफ मेंबर और मैम जो हमें बता रहे हैं सारी चीज़ें रेट वाइज, कलर वाइज, वैरायटी वाइज सब कुछ समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें बताएंगी वैष्णवी मैम और यहाँ से कैसे डिलीवर किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें यही हमें बताएंगी और समझाएंगी।